चिराथू से विधायक और अपना दल की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी और पल्लवी पटेल की मुलाकात करीब आधा घंटे तक चली। बता दें कि कल 24 जुलाई की शाम पल्लवी पटेल अपने पति संग मुख्यमंत्री योगी से मिली थी। दोनों के बीच करीब 20 से 25 मिनट की मुलाकात हुई। वैसे तो इसे शिष्टाचार भेंट बताया जाता है, लेकिन मौजूदा माहौल में इस मुलाकात के मायने ढूंढे जा रहे हैं। पल्लवी पटेल ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2022 में केशव प्रसाद मौर्य को हरा कर जीता था। पल्लवी पटेल ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपना गठबंधन तोड़ दिया था। उन्होंने सपा मुखिया पर कई आरोप भी लगाए थे। इस चुनाव में पल्लवी पटेल ने IMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। वहीं अब यूपी में चल रही सियासी हलचल के बीच पल्लवी पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात ने यूपी सियासी हलचल तेज कर दी है, क्योंकि माना जा रहा है कि यूपी में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में बयान दिया था, गठबंधन सरकार से बड़ा होता है, और उनके इस बयान से ही यूपी सियासत तेज हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, AK न्यूज़।